अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, जाफ़िर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और इन्होंने मुझे गज़ल भी सुनाई थी, तो मैंने आपसे शेयर की थी और आपसे वादा किया था कि मैं आपका इनसे इंट्रो भी करवाऊँगा। तो आज मैंने इनसे टाइम मांगा और इनके पास हूँ, तो आज इनसे पूछते हैं सवाल जवाब और इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ हैं, आपकी कॉस्ट वगैरह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, आपका नाम? मुख्तार हुसैन जाफरी। मुख्तार हुसैन जाफरी। और आपकी काम क्या है? कुरैशी। आप कुरैशी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी। आप क्या काम करते हैं? स्कूल में एज ए नैब कासिद। आप स्कूल में एज ए नैब कासिद मुलाजिम हैं। तो आपको ये गज़लें यानी कि आती हैं, माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपको ये शौक़ कहाँ से, यानी कि आपका ये जज्बा शौक़ पैदा हुआ था? उसमें छठी जमात में दाखिल हुआ जब जी, हायर सेकेंडरी स्कूल में जी, मुझे नात खानी का शौक़ था पहले जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा जुनून बढ़ता गया और मेरे ये गज़लें वगैरह भी माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी कि आपको ये छठी क्लास से शौक़ था, आप नातें पहले पढ़ते थे और उसके बाद आपने गज़लें वगैरह भी पढ़ी। तो आज हमें एक दो बंद आप सुना दें गज़ल के। दिन है जुमेरात है, 28 रजब है, इस वजह से जी फिर हाँ बाद में करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो हम मिले जाफ़िर साहब से और इनसे बातें वगैरह भी की और गज़ल का कहा, तो इन्होंने कहा कि आज दिन 28 रजब है, तो इसलिए आज गज़ल नहीं, किसी और दिन गज़ल फिर सुनाएंगे और हम फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।